चलिए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे 150 मिलियन के, 150 मिलियन, 150 लाख, 150 मिलियन। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है, गाने ने धूम मचाना शुरू कर दिया है। रील्स पर 1.5 के यानी कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रील्स बनाए, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, जितने भी चैनल हेडलाइंस भोजपुरी, मनचाहा न्यूज, भोजपुरी XP हो गए और बाकी जितने भी चैनल वाले हैं, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद। ये उम्मीद नहीं थी, जब गाना रिलीज हुआ था अच्छा लग रहा था, मन में आस था कि कहीं ना कहीं ट्रेंड करेगा रील्स पे, लेकिन मन में आस था कि 5,000-10,000 रील्स बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, लेकिन देखते देखते 1.5 लाख पार हो गया रील्स। थैंक यू आप सबको, दिल से थैंक यू। इसका मुखड़ा नहीं, इसका अंतरा वायरल हुआ है, सबका मुखड़ा वायरल होता है, मेरे गाने का सिर्फ और सिर्फ अंतरा वायरल हुआ है। अभी शिल्पी राज जी को भी दिल से थैंक यू, बहुत अच्छा गाए हैं, उन्हीं का लाइन वायरल हुआ है। अरे किसे रे हम जनुआ पीछे सियार का करी, तो हमारा मिलल बयार रंगदार, तजिला जवार का करी। जय हो। क्या बात है, भोजपुरी में अगर बात कर ले तो होली के रंग गुलाल उड़ने शुरू हो गए हैं, आप कितना धमाका करने के लिए तैयार हैं? अभी मेरा 2 होली रिलीज हो चुका है मेरे अपने ऑफिशियल चैनल अभिषेक सिंह ऑफिशियल पे, और एक और होली आप सबके बीच बहुत जल्द आने वाला है। 3 गाना मेरा इस बार होली आएगा, आप सब 2 आ चुका है, एक और आने वाला है। गाना थोड़ा सा, एक होली भूमिहार पे है और एक होली नॉर्मली है, एक होली है बहुत अच्छा है। अरे कि आसो के फगुनवा में सजनवा के बैगनवा जनवा ले बाहो, आसो के फगुनवा में सजनवा के बैगनवा जनवा ले बा, अरे कि ले बाए सखी ले बाहो, ले बाहो, दर्द उठे उनके करनवा हो बैगनवा जनवा ले बा। जातिवाद का आपको भी, आपके ऊपर भी आरोप लगता है, जब भी आप गाने लाते हैं तो अपने कास्ट के ऊपर ही लाते हैं, आखिर का है? नहीं, आरोप तो नहीं लगना चाहिए कास्ट के ऊपर, हर कोई गा रहे हैं अपने अपने कास्ट के ऊपर, और आरोप किस लिए लगेगा, कोई जुर्म थोड़ी, असली नहीं लगा रहे हैं, गंदगी चोली जंगिया साया ये सब नहीं लगा रहे हैं। भोजपुरी में लोग, भोजपुरी से लोग दूरी बनाते हैं, भोजपुरी के नाम सुनकर कान बंद करते हैं, तो इस मैटर पर कान बंद करते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, भोजपुरी बलगर है। जातिवाद से मुझे नहीं लगता है कि कोई आरोप लगना चाहिए, क्योंकि और अभी हम भूमिहार पे गाते हैं, मैं भूमिहार हूँ इसलिए भूमिहार पे गाता हूँ, और किसी अन्य जाति को टारगेट करके नहीं गाता हूँ, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और सभी जाति में उनके सिंगर हैं अपने अपने गाने वाले, तो भाई बुरा क्यों लगेगा। बाकी लोग हमें जानते हैं कि भूमिहार गाता है, भूमिहार तो गाने से सिंगर बटना शुरू हो जाएंगे। अब बटिए ऐसे भी नहीं भी गाने से बटा हुआ है भैया, नहीं भी गाने से बटा हुआ है। अच्छा देखिए, आज के डेट में तो अभी फिलहाल पवन सिंह जी तो बोल जातिवाद गाना नहीं गाते हैं, खेसारी जी गाना नहीं गाते हैं जातिवाद, लेकिन फिर भी देखिए उनके कमेंट में, खेसारी जी के कमेंट में राजपूत भाई लोग लड़ेंगे और यादव भाई लोग लड़ेंगे, उसमें लड़ेंगे, तो फिर जातिवाद टाइटल से भी बढ़ चुका है, नहीं गाने से भी जातिवाद हो रही है भोजपुरी में। इस होली में स्पेशली आपका क्या विशेष तैयारी है, क्योंकि सारे लोगों का गाने आ गए हैं, आपके भी गाने आ गए हैं, तो स्पेशली मैं भोजपुरी के लिए क्या रहे? भोजपुरी ऐसे भी थोड़ा सा बिफोर चलता है, कोई भी पर्व हो, होली हो तो भी 2 महीना पहले, दशहरा हो तो भी 2 महीना पहले, इसीलिए देखते हुए पहले ही स्टार्ट हुआ है और 2 गाना रिलीज है, एक भूमिहार वाला भी रिलीज है, एक और भूमिहार वाला होली आप सबके बीच आने वाला है। इस गाने के लिए स्पेशली मैसेज दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से प्यार देते रहिए, दर्शकों से और क्या इच्छा रहता है, कलाकारों को प्यार मिलता रहे, किसी भी तरह से मिले प्यार मिलता रहे।